नमस्ते दोस्तों, आज हम पानी के फैसिनेटिंग टॉपिक में डीप तक जाने वाले हैं। हमारे प्लैनेट के इसेंशियल लाइफ का इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पानी विस्तार में कितना पुराना है? खैर, चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। पानी सिर्फ एक साधारण कंपाउंड से कई अधिक है। इसकी कहानी बिलियन साल पीछे चली जाती है, जो हमारे यूनिवर्स की विशालता से जुड़ी है। यह सब हमारे यूनिवर्स के जन्म के साथ शुरू होता है। बिग बैंग के रूप में जाने जाने वाली विस्फोटक घटना के दौरान हाइड्रोजन एटम का जन्म हुआ, जिससे पानी के बिल्डिंग ब्लॉक्स का मार्ग प्रस्तुत हुआ। जैसे जैसे तारे बने और विकसित हुए, उन्होंने हाइड्रोजन एटम को आपस में जोड़ दिया, जिससे ऑक्सीजन जैसे हैवी एलिमेंट बन गए। आखिरकार बड़े पैमाने पर तारे सुपरनोवा में विस्फोट हो गए और उन्होंने इन न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था, जिसमें ऑक्सीजन एटम्स भी शामिल थे। जैसे जैसे हमारे यंग प्लैनेट अर्थ ने आकार लिया, कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स ने इसकी सतह पर बमबारी की, जिसमें वाटर रिच कंपाउंड थे, जिसमें प्रिसाइज ऑक्सीजन एटम भी शामिल था। लाखों वर्षों में ये वाटर रिच कंपाउंड जमा हुआ। इवेंचुअली आज हमारे पास शानदार महासागरों, झीलों और नदियों का जन्म दे रहे हैं। और दोस्तों, ये तो माइंड ब्लोइंग पार्ट है। जो पानी आप पीते हो, लहरों पे सर्फ करते हो, यहाँ तक कि बारिश की बूंद जो आसमान से गिरती है, वो भी मिलियन वर्षों से है। तो मोटे तौर में पृथ्वी पर पानी की एज हमारे यूनिवर्स के जन्मे तारों के निर्माण और सोलर सिस्टम के जन्म से पता लगाया जा सकता है। इसे लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना बनाते हैं। अगली बार जब आप पानी का घूंट ले, तो याद रखें कि आप सिर्फ अपने शरीर को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, आप हमारे अविश्वसनीय यूनिवर्स की कॉस्मोस हेरिटेज से भी जुड़ रहे हैं। अगली बार हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम यूनिवर्स के वंडर का पता लगाना जारी रखते हैं। अधिक माइंड एक्सपांडिंग कंटेंट के लिए बने रहे और उस सब्सक्राइब बटन को हिट और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।